सुनो उठो ना, कब तक सोओगे? अब दोपहर से शाम हो गई है। हाँ तो शाम का टाइम ही तो सोने का असली टाइम होता है, असली टाइम होता है। सुबह उठूंगा अब। उठो ना, क्या बात कर रहे हो पागलों की तरह, उठो जल्दी, मैं चाय बनाती हूँ। तुम्हारा सर दर्द ठीक है अब वो गोली खाने के बाद? हाँ सर के दर्द में तो आराम है, पर नींद सी आ रही है अभी भी। अच्छा फिर तो बहुत पावर वाली गोली थी लगता है, मुझे भी अभी और नींद आ रही है। अगर एक गोली और खा लेती ना तो लगता है 2-3 दिन तक ना उठती सो के। 3 दिन में तो एक दिन का जाना, एक दिन का आना और एक दिन का रहना हो जाता मेरा गोवा में। ओ गोवा वाले, अकेले तो तुम्हें ग्वालियर ना जाने दूं। जाओ तो तुम, मैं 1-2 घंटे अभी और सोऊंगा। उठना पड़ेगा, शाम के टाइम सोने से घर में गरीबी आती है। जो घर में पहले से ही हो वो बार बार क्यों आएगी? मजाक लग रहा है तुम्हें, सच में होता है ये? कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बातें हैं, तुम्हें मानना है मानो। हाँ तो मैं तो मानती हूँ कि शाम को सोने से घर में धन नहीं आता। तो एक काम करो, तुम उठो जागो और अपने लिए 4 तोले का हार बनवा लेना। मेरे मायके में एक शुक्ला अंकल थे, बहुत जमीन थी उनके पास, लेकिन रोड पे आ गए वो। अरे तो अंबानी जी के पास भी भले कितना पैसा हो लेकिन रोड पे तो वो भी आते होंगे। सबको आना पड़ता है रोड पे अगर कहीं जाना है तो। अरे उस तरह नहीं आए रोड पे, मेरे कहने का मतलब है देखते ही देखते उनकी पूरी जमीन बिक गई, कंगाल हो गए वो। वही जमीन बिक गई क्यों? यही तो बता रही हूँ कि उनको शाम को सोने की आदत लग गई थी, और होता है शाम को सोने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। देखो मुझे नींद आ रही है, बकवास कहानियां ना सुना अब। और वैसे भी मैं सो भी गया तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि मेरे पास बिकने के लिए जमीन ही नहीं। अरे जो है वो भी चला जाएगा, बोल रही हूँ उठो, चाहे तो 1-2 घंटे बाद फिर से सो जाना। नहीं सुना 1-2 घंटे बाद, मुझे अभी सोना है। नया घर कब लोगे ये बताओ? नया घर किस लिए? अभी दिवाली आ रही है, इसी की पुताई करेंगे, नया बना देंगे। वो तो करेंगे ही, लेकिन नया घर कब लोगे ये बताओ मुझे अभी। मंगल का दिन शुभ होता है, मंगल को ले लेंगे। कौन सा मंगल? जो आ रहा है वो वाला? नहीं जब भी लेंगे मंगल को लेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं तारीख पूछ रही हूँ, टाइम पूछ रही हूँ, कब तक लोगे नया घर? तुम्हें क्या इतनी जल्दी नया घर लेने की है तो ये अभी सबने प्लॉट ले लिए हैं, सारे रिश्तेदारों ने, किसी के पास 4 प्लॉट है, किसी के पास 2। 4 प्लॉट ले लिए? साला हमारे घर में तो 4 प्लेट भी नहीं है। वही तो कह रही हूँ, हमारी हालत वैसे भी खराब है, और ना करो। मैं क्या कर रहा हूँ, जब जो काम मिलता है करता हूँ, कहो तो कार भेज दूँ, साला उसकी ईएमआई भरना भी मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ महाराज, शाम के टाइम नहीं सोते, घर में लक्ष्मी नहीं आती, उठो जल्दी। एक काम करो चाय बनाओ, मैं उठता हूँ 10 मिनट से। हाँ तो 10 मिनट बाद चाय बना लूंगी, ठीक है? मैं नहीं उठूंगा, बस तुम्हें उठना है उठो, तुम्हें भी सोना है सोती रहो। इस बार धनतेरस में क्या लोगे? मेरे लिए कोई धनतेरस नहीं है। क्यों? जो धन के लिए तरस रहे हैं उनके लिए कोई धनतेरस नहीं होती। फिर भी कुछ तो लेना पड़ेगा, शुभ होता है उस दिन लेना। हाँ तो अभी बहुत दिन है धनतेरस के, जो लेना होगा ले लेंगे, ठीक है? अभी बताओ, मुझे अभी जानना है। मोटी मोटी बात यह है कि तुम जानना चाहती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ लूंगा या नहीं। हाँ यही जानना, स्कूटी लेने का बोला था ना? कब बोला? जबरदस्ती बुलवाया होगा। तुमने बोला मुझे बस स्कूटी दिलवाओगे।
तुम्हें पता है थाने में दिया गया बयान और बीवी को दिए हुए वादे का कोई भरोसा नहीं होता। वो तो धनतेरस के दिन देख लूंगी मैं। क्या क्या देख लूंगी? यही कि या तो उस दिन स्कूटी में बैठूंगी या बैठ के कूटूंगी। क्या हुआ, कहाँ उठ रहे हो? शाम को सोने से लक्ष्मी नहीं आती ना, इसीलिए उठ रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि दिवाली आ रही है, धनतेरस भी आ रही है, तो लक्ष्मी की जरूरत तो बहुत पड़ेगी। और करवा चौथ भूल गए? वो भी इसी महीने में है। लगता सोना ही बंद कर दूं। लक्ष्मी लक्ष्मी आएगी।